हाय, मेरा नाम प्रिंस है। इस वीडियो में मैं आपको एक प्लगइन को रिकमेंड करने वाला हूँ जो आपके वर्डप्रेस साइट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर हम प्लगइन की बात करें तो वो है पुश नोटिफिकेशन। और इसकी यूज़ की बात करें, जब कभी भी आप न्यू पोस्ट को पब्लिश करोगे तो आप एक नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो अपने यूज़र को, चाहे उनके पास PC हो, लैपटॉप हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो। फिर आपका जो भी विजिटर है वो नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपके साइट पे विजिट हो सकता है, जिससे क्या होगा, आपके ट्रैफिक इंक्रीज होगा और दूसरा आपका अर्निंग इंक्रीज होगा। तो ये जो मेथड है तभी काम करेगा जब कोई भी विजिटर आपके साइट पे जाकर जो पुश नोटिफिकेशन है उसको सब्सक्राइब करेगा। जैसे YouTube के अंदर होता है, जब भी आपका कोई भी व्यूवर्स आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है तो जब भी आप कोई न्यू वीडियो अपलोड करोगे तो उनके पास एक नोटिफिकेशन जाता है। तो सेम इसी प्रकार से जो पुश नोटिफिकेशन है वो काम करता है। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको जो पुश नोटिफिकेशन है उसको आपको एक्टिवेट करना है अपने साइट पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियो के बारे में इसी प्रकार से अपडेट मिलता रहे। तो चलो हम पुश नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करते हैं। पुश नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पुश नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है वन बे टेक्नोलॉजी। फिर आपको इस साइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पुश नोटिफिकेशन। फिर आपको इस पोस्ट पर जाकर इस प्लगइन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब आपको अपने वर्डप्रेस साइट को लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको प्लगइन पे क्लिक करना है। फिर आपको क्लिक करना है ऐड प्लगइन, और जो भी आपने प्लगइन को डाउनलोड किया होगा उसको आपको अपलोड करके एक्टिवेट कर लेना है। अब आपको इस प्लगइन पे जाना है और यहाँ पे इसका डैशबोर्ड शो कर रहा है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके पास कितना यूज़र है और दूसरा आपने कितना नोटिफिकेशन आपने सेंड किया उसमें से कितना सक्सेस हुआ है, फेल कितना हुआ है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखने वाला है। दूसरा जो जॉब्स का मतलब होता है कि आपने जो नोटिफिकेशन सेंड किया है उसमें कितना कंप्लीट हुआ है, कितना रनिंग है, कितना पोस्ट में नोटिफिकेशन शेड्यूल है और कितना नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है और फेल्ड कितना हुआ है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखने वाला है। अब हम कुछ सेटिंग को अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इनेबल करना है, फिर आपको यहाँ पे हाइड बेल आफ्टर सब्सक्राइबिंग पे चेक लगाना है। अब आपको यहाँ पे अपना लोगो को अपलोड करना है। इसके बाद आपको सेव एंड चेंज पे क्लिक करना है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये काम कर भी रहा है फिर नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको किसी दूसरे ब्राउज़र पर जाना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इस साइट पर विजिट करोगे तो इंस्टेंटली देखोगे तो सब्सक्राइब करने का आपको नोटिफिकेशन आ गया है। तो जब इसको आप कंटिन्यू करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएगा, और अगर आप नॉट नाउ करोगे तो जब भी आप साइट पे आओगे तो आपको ये हमेशा सब्सक्राइब करने का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो मैं ऐसे कंटिन्यू करके अलाउ कर लेता हूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एक पोस्ट में नोटिफिकेशन को सेंड कर सकते हो। यहाँ से आपको वर्डप्रेस साइट पे जाना है, फिर आप क्लिक करना है पोस्ट पे। अब आप जिस भी पोस्ट को नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से चेक लगाना है सेंड नोटिफिकेशन ऑन पब्लिश। इसके बाद आपको क्लिक करना है अपडेट। जैसे आप अपडेट करोगे तो जो भी आपके यूज़र आपके वेबसाइट को सब्सक्राइब किया होगा उनके पास से किस प्रकार से एक नोटिफिकेशन गया होगा, अगर आप इस प्लगइन पे आकर चेक करोगे तो यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास फ़िलहाल एक यूज़र है और मैंने अभी एक नोटिफिकेशन सेंड किया था और वो अभी कंप्लीट भी हो गया है। तो आप इस प्रकार से नोटिफिकेशन सेंड करके चेक कर सकते हो। दूसरा एक तरीका है, जैसे मान लो कोई फेस्टिवल है, चाहे दिवाली हो गया, होली हो गया, दशहरा हो गया, और आपको एक मैसेज सेंड करना है अपने यूज़र को। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से क्लिक करना है सेंड नोटिफिकेशन। फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, जैसे मान लो कि आज दिवाली है और आपको हैप्पी दिवाली का एक नोटिफिकेशन सेंड करना है अपने यूज़र को। फिर आपको यहाँ पे टाइटल में टाइप करना है हैप्पी दिवाली, और मैसेज वाले बॉक्स के अंदर आपको एक अच्छा सा मैसेज को टाइप करना है। फिर आप नीचे देखोगे तो आप कुछ फ़ोटो और लिंक को अटैच कर सकते हो। इसके बाद आप सेंड कर लेना।
तो आप इस प्रकार से जो पुश नोटिफिकेशन है उसको आप यूज़ कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो